संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर मसले की मीटिंग के तुरंत बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। भारत ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई सरोकार नहीं है। Our national position was and remains that matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. These have no external ramifications. The recent decisions taken by the Government of India and our legislative bodies. यूएन में भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने मीडिया के सामने आकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा। ताजे घटनाक्रम से बेफिक्र भारत ने कहा कि वो कश्मीर पर हुए तमाम अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सही तरीके से पालन कर रहा है। गुड गवर्नेंस इज प्रमोटेड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एनहांस्ड फॉर आवर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। You are aware this morning that the Chief Secretary of the State of the Union Territory of Jammu and Kashmir announced a whole set of measures that the government is undertaking to move towards normalcy. अकबरुद्दीन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सामान्य हालत के लिए कई उपायों की घोषणा की। अनौपचारिक चर्चा में सदस्य देशों ने इसकी सराहना की। कश्मीर में एहतियात के तौर पर कुछ उपाय किए गए थे ताकि गड़बड़ी नहीं हो सके, धीरे धीरे सभी प्रतिबंध हटाएंगे। यह आंतरिक मामला है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम उन सभी समझौते पर कायम रहेंगे जो इन मुद्दों पर हमने किए हैं। भारत के प्रतिनिधि ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि एक देश जिहाद का इस्तेमाल कर रहा है और हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा किसी मुद्दे का समाधान नहीं है। भारत पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुद्दे का हल बातचीत ही है। Since the changes internal to India have not made any difference to our external orientation, India remains committed to ensure that the situation there remains calm and peaceful. We are committed to all the agreements that we have signed. On this issue. भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में समझौता हुआ और हम उस पर कायम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी इस पर कायम रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कब होगी? इस सवाल के जवाब में अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद रोकने पर ही बातचीत होगी। बाद में एक भारतीय न्यूज चैनल से बातचीत में अकबरुद्दीन ने कहा कि जैसे क्रिकेटर कभी नहीं कहते कि ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, वैसे ही डिप्लोमेट नहीं बताते कि बंद दरवाजे में क्या बातचीत हुई। You are understanding of the situation here. I do not need to tell you what was the outcome of the close consultations. You will yourself know about it. We stand ready to continue our efforts towards peaceful resolution of all issues in an atmosphere free of terror and violence. लेकिन दो देशों की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। हालांकि हर तरफ से मात खा चुका पाकिस्तान इस बात से ही उत्साहित है कि इस मुद्दे पर चर्चा तो हुई। पाकिस्तान को सिर्फ चीन का ही साथ मिला जिसने दोनों देशों को एक तरफा कार्रवाई से बचने की अपील की। हांगकांग में हजारों प्रदर्शनकारियों पर दमनकारी कार्रवाई करने को लेकर दुनिया भर के देशों से आलोचना झेल रहे चीन ने कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की। इधर रूस ने कहा, हम दोस्त हैं और भारत पाकिस्तान दोनों हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं। हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, इसलिए उनके बीच सुलह और अच्छे रिश्ते के लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ खुले दिल से बात करते रहेंगे। दरअसल इस चर्चा को लेकर पाकिस्तान बेहद उत्साहित और आशान्वित था, तो भारत ने इसे बहुत तवज्जो नहीं दी। भारत की बेफिक्री का कारण ये है कि हाल के वर्षों में इस तरह की अनौपचारिक चर्चा का चलन बढ़ गया है।
जिनमें सुरक्षा परिषद के सदस्य बंद कमरे में बातचीत करते हैं और इनकी कोई जानकारी बाहर नहीं आती। भारत की बेफिक्री के अन्य प्रमुख कारण रूस का चीन पाकिस्तान के विरोध में मजबूती के साथ खड़ा होना और अमेरिका के साथ साथ खुद संयुक्त राष्ट्र के इस मामले के प्रति खास दिलचस्पी नहीं होना है। यूएन हमेशा कश्मीर के मसले को नजरअंदाज करता रहा है। इस पर आखिरी और औपचारिक मीटिंग 1971 में और आखिरी औपचारिक या फुल मीटिंग 1965 में हुई थी। इस तरह की बैठक में सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है, बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और ना ही कोई औपचारिक फैसला होता है। हालांकि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इस मुद्दे को चर्चा के लिए सूचीबद्ध करने के बाद से ही बेहद उत्साहित था। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो इसे पाकिस्तान के ऐतिहासिक उपलब्धि तक बता दिया। उनका कहना था कि यूएनएससी कश्मीर मुद्दे पर 40 साल बाद चर्चा करने को राजी हुआ है, जो पाकिस्तान के ऐतिहासिक राजनयिक उपलब्धि है। जबकि सच्चाई ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट जोना रोनिका मीटिंग में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी तक की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान की गुहार पर चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड से पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी में काउंसिल की औपचारिक मीटिंग की मांग की थी, लेकिन वो सदस्य देशों की सहमति नहीं जुटा पाया। इसलिए चीन की पहल पर अब बंद कमरे में एक अनौपचारिक मीटिंग भर हुई।